नमस्कार दोस्तों, जीआरवी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे रेगुलरली क्लासेस पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक से लेकर आखिरी टॉपिक तक वन बाई वन टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों रीजनिंग के। तो बने रहिए मेरे साथ जीआरवी सॉल्यूशन पर। दोस्तों चलते हैं, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे दृश्य परीक्षा। तो दोस्तों दृश्य परीक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो दृश्य परीक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों देश, यानी देश की क्या पढ़ेंगे दोस्तों, राजधानी पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, प्रतीक पढ़ेंगे, मुद्रा, खेल, महाद्वीप और नदी। तो दोस्तों सबसे पहले राजधानी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों जैसे भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, बांग्लादेश की ढाका है, और दोस्तों ऐसे ही अलग अलग देश की अलग अलग राजधानियां होती हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वॉशिंगटन डीसी अमेरिका से संबंधित है तो दिल्ली किससे संबंधित है, तो दोस्तों ऑप्शन में दिया रहेगा दिल्ली भारत से संबंधित है, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और दिल्ली किसकी राजधानी है दोस्तों, तो दिल्ली है भारत की राजधानी। और दोस्तों इस राजधानी हो गया हमारा, नेक्स्ट है संसद। तो संसद से कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो दोस्तों संसद से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भारत की, भारत में जो लोअर हम कह सकते हैं, भारत में जो निम्न सदन उच्च सदन की जहां बैठक होती है उसे कहा जाता है संसद। तो दोस्तों इसी प्रकार हर देश में अलग अलग संसद होती है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि भारत की संसद, यानी भारत में तो भारत की जो बैठकें होती है उसे संसद कहते हैं, तो पाकिस्तान में क्या कहते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में संसद बोला जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे जापान का पूछा जाए तो दोस्तों वहां पर जापान में बोला जाता है डायट। क्या बोला जाता है दोस्तों, तो ये बोला जाता है डायट, सॉरी डायट जापान में बोला जाता है डायट। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जापान भारत में संसद, भारत संसद से संबंधित है तो जापान किससे संबंधित है, दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा डायट से संबंधित है जापान। और अब आता है प्रतीक। तो प्रतीक में दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो दोस्तों प्रतीक में होता है जैसे कमल होता है, तो कमल किसका प्रतीक होता है, तो दोस्तों कमल होता है सभ्यता और संस्कृति का, सभ्यता और संस्कृति का कमल प्रतीक होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, इसी प्रकार कुछ और प्रतीक भी है हमारे पास जो है कि सफेद रंग, जो सफेद कबूतर होता है वो शांति का होता है, जैतून की पत्तियां भी शांति का प्रतीक होती है, और लाल होता है खतरे का, और हरा होता है साफ रास्ते का। अच्छा दोस्तों अब आता है आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस प्रकार लाल खतरे से संबंधित है उसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि लाल खतरे से संबंधित है तो उसी प्रकार शांति से संबंधित क्या है, या फिर साफ रास्ते से संबंधित क्या है, तो वहां पर या तो हरा होगा या फिर सफेद होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्या, मुद्रा। तो दोस्तों मुद्रा पढ़ना है हमें, मुद्रा। तो अलग अलग देश की अलग अलग मुद्रा होती है दोस्तों, जैसे भारत में चलता है, भारत में चलती है मुद्रा रुपया, और अमेरिका में चलती है डॉलर, और अलग अलग है रूस है, फ्रांस है, चीन है, सबके अपने अपने मुद्रा होती है। वो मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा डेटा। तो दोस्तों मुद्रा होती है, जैसे भारत में रुपया चलता है तो उसी प्रकार अमेरिका में क्या चलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत रुपया से संबंधित है तो डॉलर किससे संबंधित है, तो डॉलर आपका आएगा दोस्तों अमेरिका से संबंधित है। उसी प्रकार दोस्तों पूछे जाते हैं खेल। अब दोस्तों खेल, खेल में क्या पूछा जाता है दोस्तों, खेल में पूछा जाता है सबसे पहले खेल, स्टेडियम, खिलाड़ी, ये सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो जैसे वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि जैसे विराट कोहली का संबंध किस खेल से है, तो हम कह सकते हैं विराट कोहली का संबंध है क्रिकेट। अच्छा महाद्वीप में किस प्रकार के, दोस्तों महाद्वीप में हमारे यहाँ हमें पता है दोस्तों सात ही महाद्वीप है, तो सात महाद्वीप है यदि, सात महाद्वीप है तो सात महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, और उनमें सात महाद्वीप में क्या क्या एक्स्ट्रा है, यानी किस महाद्वीप में कौन सी चीज सबसे ज्यादा पाई जाती है, किस महाद्वीप में कौन से, किस महाद्वीप में जंगल ज्यादा पाए जाते हैं, किस नदी महाद्वीप में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि समुद्र ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर जीव जंतु ज्यादा पाए जाते हैं, या आबादी ज्यादा पाई जाती है, या कौन से महाद्वीप में खेती यानी कृषि करने योग्य भूमि पाई जाती है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमें कृषि से रिलेटेड आते हैं, तो हमें क्या क्या पढ़ना दोस्तों, इन सभी से रिलेटेड हमें एक पढ़ना पड़ेगा महाद्वीप से रिलेटेड। अब दोस्तों आता है नदियां। तो नदियां दोस्तों जैसे गंगा, भारत की जो महानतम नदी है वो है गंगा, और दोस्तों इसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा कि भारत का संबंध गंगा से है तो आपसे मिस्र, सॉरी मिस्र का है नील नदी से संबंध, तो
आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नदी से संबंधित। तो दोस्तों हमारे देश से संबंधित और राष्ट्र राष्ट्र और देश से संबंधित ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब दोस्तों हम देखेंगे भौतिकी यानी उपकरण और मापन। तो दोस्तों उपकरण और मापन क्या है, तो किस चीज मापन में क्या 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 पढ़ेंगे दोस्तों। तो बहुत सारे उपकरण हैं जिससे हम मापा जाता है, जैसे आमीटर है, वोल्टीमीटर है, थर्मामीटर है, बैरोमीटर है, लैक्टोमीटर है आदि। इससे बहुत ही सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो ये अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो दोस्तों अपने से क्वेश्चन आएगा कि आमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, तो उसी प्रकार विभवांतर का संबंध किससे है। तो दोस्तों अब दोस्तों नेक्स्ट है इकाई और मात्रा। आप इसको देख लेते हैं, इकाई और मात्रा क्या है दोस्तों। तो अब हम इकाई और मात्रा देखेंगे। अब इकाई क्या होता है, तो दोस्तों हमें पता है इकाई होती है सबसे छोटी इकाई, यानी 100 की इकाई क्या होगी। तो दोस्तों 100 की इकाई पढ़ेंगे हम इकाई और मात्रा। तो दोस्तों जैसे ऊष्मा की मात्रा इकाई होती है कैलोरी, तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि तापमान है, तापमान की इकाई क्या होती है दोस्तों, किससे मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। और दोस्तों अश्व शक्ति यानी हर्ष है, तो दोस्तों हर्ष को किस में मापा जाता है, तो हर्ष को मापा जाता है आवृत्ति में, ओम है दोस्तों। दोस्तों हमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो क्वेश्चन बनेगा कि जिस प्रकार दाब दाब पास्कल से संबंधित है, तो उसी प्रकार भार से संबंधित क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा भार। अब हमें पता है दोस्तों कि नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आविष्कार और आविष्कारक। तो आविष्कार और आविष्कारक कैसे दोस्तों, तो जिन्होंने आविष्कार किए हैं, जिन्होंने आविष्कार किए हैं उन्हें आविष्कारक कहते हो। किस चीज का आविष्कार किया है उनके नाम आते हैं। भाप इंजन का, भाप इंजन से संबंधित कौन है दोस्तों, तो भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, जेम्स वाट ने। तो दोस्तों उसी प्रकार अब हमें क्या क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, उसी प्रकार हेलीकॉप्टर से संबंधित कौन है, तो हमें क्या है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों हेलीकॉप्टर से संबंधित कौन है, तो दोस्तों हमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में लिखा होगा कि ब्रेकर, जो ब्रेकर है उन्होंने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। ब्रेकेट है, सॉरी यहां पर ब्रेकेट है, ब्रेकेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। दोस्तों हमें इस प्रकार से हेलीकॉप्टर जो आविष्कार है इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे चलते हैं व्यक्ति और उनका कार्य स्थल। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अब व्यक्ति और उनके कार्यस्थल। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि डॉक्टर क्या होता है, तो इसमें पढ़ेंगे जैसे कि डॉक्टर होता है, डॉक्टर होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर होता है हॉस्पिटल से संबंधित। तो दोस्तों हॉस्पिटल, तो डॉक्टर में क्या आएगा दोस्तों, हॉस्पिटल आ जाएगा। वैसे ही किसान कहां से संबंधित होता है दोस्तों, तो किसान होता है खेत से संबंधित। तो दोस्तों किसान का संबंध कहां से आ जाएगा दोस्तों, खेत से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन इससे करना पड़ेगा कि व्यक्ति व्यक्ति और उनके कार्यस्थल। अच्छा डॉक्टर एक व्यक्ति है और उसका कार्यस्थल है हॉस्पिटल, ऐसे किसान एक व्यक्ति है और उसका जो कार्यस्थल है वो होता है खेत। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें करने पड़ेंगे। उपकरण और उनके उपयोग, तो दोस्तों उपकरण और उनके उपयोग में क्या क्या समझेंगे। तो दोस्तों उपकरण में क्या क्या है, क्या क्या उपकरण होते हैं हमारे पास, तो जैसे कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी से क्या कहा जाता है, कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी का संबंध है काटना से है। तो दोस्तों कुल्हाड़ी का किससे संबंध है, काटना से है। तो वैसे कैची का संबंध किससे है, तो दोस्तों कैची का संबंध किससे होता है हमें ये बताना है। तो दोस्तों कैची का भी संबंध होता है काटना से। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हथौड़े का किससे संबंध है, फावड़े का किससे, कैची का, कुल्हाड़ी का, और बाकी जो पेचकस का किससे संबंध है, या फिर पाना जो होता है उसका किससे संबंधित है। इस प्रकार के आपको इसमें से क्वेश्चन आएंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों चलते अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वस्तु और स्थान का वर्गीकरण। तो वस्तु स्थान और वर्गीकरण है, वस्तु क्या है, कार है, तो कार स्थान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो कार रखी जाती है कहां पर, गैरेज में रखी जाती है। और जैसे कि यहां पर आ जाएगा हवाई जहाज, जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज कहां पर रखा जाता है दोस्तों,
तो वह हैंगर में रखा जाता है। अनाज है दोस्तों, तो अनाज कहाँ पर रखा जाता है? अनाज रखा जाता है हमारा गोदाम में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों भौतिक हमारा खत्म हो गया है, अब हम चलेंगे जंतु की ओर। नेक्स्ट है जंतु। तो दोस्तों जंतु किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो दोस्तों हम जंतु पढ़ेंगे, जंतु में क्या क्या पढ़ेंगे? तो जंतु में पढ़ेंगे अध्ययन और विषय, जानवर और स्थान, जंतु और उनके बच्चे, जंतु और उनके समूह, जंतु और उनका व्यवहार, जानवर और उनकी आवाज, जंतु और उनका वर्गीकरण और लैंगिक संबंध। तो दोस्तों इतने सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे जंतु से संबंधित। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है अध्ययन और विषय। अध्ययन और विषय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों अध्ययन विषय में जैसे कि कार्डियोलॉजी का हृदय से संबंध होता है, क्योंकि उसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है। और वैसे दोस्तों बायोलॉजी यानी बायोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। और बहुत सारे टॉपिक है दोस्तों, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जूलॉजी यानी माइकोलॉजी में कवक का किया जाता है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइकोलॉजी का संबंध है कवक से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा संबंध किससे है? फाइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी का संबंध आता है शैवाल से। दोस्तों फाइकोलॉजी का किससे संबंध होता है? शैवाल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जंतु अध्ययन और विषय में। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमने वस्तु और स्थान पढ़ा था, उसी प्रकार से जानवर और स्थान आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे मछली है, तो दोस्तों मछली कहां पर रहती है? तो मछली रहती है पानी में। स्थान है ना, पानी स्थान है कि कहीं पर मछली रहती है? पानी में। मछली पानी में रहती है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि चिड़िया, तो आ जाएगा चिड़ियाघर। चिड़िया कहाँ पर रहती है? चिड़ियाघर भी आ सकता है, जंगल पेड़ भी आ सकता है, क्योंकि घोंसले में भी रहती है चिड़िया। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस प्रकार मधुमक्खी छत्ते में रहती है, उसी प्रकार बंदर कहाँ पर रहता है? तो दोस्तों मधुमक्खी तो छत्ते पे रहती है, तो बंदर कहाँ पर रहता है? तो मधुमक्खी का संबंध है छत्ते से, तो बंदर का संबंध होगा पेड़ से। बंदर कहाँ पर रहता है दोस्तों? बंदर रहता है पेड़ पे। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, ये हमें इस प्रकार से क्वेश्चन याद करने हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों जंतु और उनके बच्चे। तो दोस्तों जंतु और उनके बच्चे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पढ़ेंगे जंतु और उनके बच्चे। तो जंतु और उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे कुत्ता, तो कुत्ते का बच्चा क्या होता है? पिल्ला। तो कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। जैसे गाय का बछड़ा होता है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जानवर और उनके स्थान को, सॉरी जंतु और उनके बच्चों को याद रखना है। हर प्रकार, हर छोटे बच्चों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, हर जैसे बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों जंतु और उनके समूह। अब जंतु और उनके समूह में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? जंतु और उनके समूह। तो दोस्तों जैसे कि सैनिक होता है, एक सैनिक होता है, वो किसमें रहता है दोस्तों? सेना में रहता है, सैनिक रहता है सेना में। और उसी प्रकार हम एक और जैसे कि पशु होते हैं, पशु रहते हैं झुंड में, मधुमक्खी भी झुंड में रहती है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखना है कि जंतु और उनके समूह। व्यवहार में है तो बंदर क्या करता है? बंदर व्यवहार में उचकता है। खरगोश क्या करता है दोस्तों? खरगोश कूदता है। तो दोस्तों ये रहता है जानवरों का व्यवहार अलग अलग पर। जैसे हाथी रहता है तो शेर रहता है, शेर दहाड़ता है। तो ये रहता है इनका व्यवहार रहता है। अब दोस्तों क्वेश्चन है हमारा जानवर और उनकी आवाजें। अच्छा दोस्तों जानवर और उनकी आवाजें रहती है। तो दोस्तों अलग अलग है, जैसे कि घोड़े का हिनाना होता है, तो इसका गाय का होता है रमाना होता है, और बकरी का मिनमिनाना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग जानवर अलग अलग आवाजें निकाली जाती है। इस पेज पे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा जंतु और उनका वर्गीकरण। अब दोस्तों आता है जंतु और उनका वर्गीकरण आता है। पढ़ेंगे जंतुओं के वर्गीकरण में। जैसे भैंस है, तो भैंस क्या होता है? स्तनपाई है।
जैसे मछली है, तो दोस्तों मछली क्या होती है, स्टार फिश होती है। स्टार फिश में क्या आता है दोस्तों, मछली है एक। तो जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण होता है स्तनपाय और अन्य जीवों के बीच में वर्गीकरण होता है, किस कौन सा जीव किस श्रेणी का होता है। तो दोस्तों छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होता है, इन सभी का वर्गीकरण होता है अलग अलग पद्धतियों में होता है दोस्तों। तो वो चीज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण में। और लास्ट है दोस्तों लैंगिक संबंध। तो दोस्तों लैंगिक संबंध आएगा, और जैसे घोड़ा का संबंध आएगा घोड़ी से आएगा, गधे का संबंध आएगा गधी से आएगा, भैंस का संबंध आ जाता है दोस्तों भैंसा से संबंध आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लैंगिक संबंध पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। और हम जो इसका नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों उसमें क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच।